हे दोस्तों, कूल और ऑसम गैजेट्स की दुनिया गैजेट जोन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गाइज, हम निकलने वाले हैं अपने कूल गैजेट्स के सफर पर, जिनमें बाइसिकल गैजेट से लेकर ड्रोन्स और कैंपिंग गैजेट से लेकर दूसरे कमाल के गैजेट शामिल हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लीजिए और फिर आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए गाइज। और हम चलते हैं अपने पहले गैजेट की तरफ। तो गाइस, आज होगी शुरुआत एयरडॉक से। आज तक आपने जितने भी ड्रोन्स देखे होंगे, ज्यादातर उसमें से रिमोट या फिर स्मार्टफोन से कंट्रोल किए जाते हैं। लेकिन गाइस, एयरडॉक नाम का ये ड्रोन उनसे अलग और एडवांस्ड है, क्योंकि ये एक हैंड फ्री ड्रोन है। यानी इसे आपको रिमोट से नहीं उड़ाना पड़ेगा, बल्कि इसके कंट्रोलर को आप स्ट्रैप करके बांध सकते हैं अपने हाथ में और फिर कर दीजिए इसे ऑन। और इसके बाद आप जहां भी जाएंगे, ये ड्रोन आपके पीछे पीछे आ जाएगा। आप कितनी भी एडवेंचरस एक्टिविटीज करें, ये आपको हमेशा फोकस में रखते हुए फॉलो करेगा। इसके साथ ही ये ड्रोन बेहद पावरफुल भी है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर की। तो आप कितना भी तेज रन करिए, ये आपके पास ही रहेगा। ये ड्रोन साइज में बड़ा होने के बावजूद भी विंड रेजिस्टेंट होता है। यानी अगर तेज हवाएं चल रही हैं तो उनकी वजह से हवा में उड़ने पर इसकी स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं आता है गाइस। ये फ्रीली तो उड़ ही सकता है प्रिसीजन के साथ आपको फॉलो करते हुए, साथ ही अगर आप चाहें तो इसके रूट को पहले से सेट भी कर सकते हैं। ओवरऑल गाइस, इस ड्रोन के साथ आपको रिमोट लेकर लगना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये अपने आप उड़ेगा और आप फ्रीली जो चाहे वो कर सकते हैं। शोका। अब गाइस, ये गैजेट कहने को तो एक बेल है, बट एक्चुअल में बेल के साथ साथ ये एक नेविगेशन डिवाइस, लाइट और सेफ्टी गैजेट भी है। यानी वो सारे डिवाइसेस जो कि एक बाइसिकल राइडर के लिए बेहद जरूरी होते हैं, उनका काम ये बेल अकेले ही कर देती है। गाइस, इसे लगाना बहुत आसान होता है। आपको सिंपली इसे क्लिप करके माउंट कर लेना होगा अपनी साइकिल के हैंडल पर, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक माउंट का फीचर मौजूद होता है, जिसके चलते आप इसे आसानी से लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। सबसे पहले तो गाइस, इसमें बेल का स्विच एक जॉयस्टिक जैसा होता है, जिसे आप थंब से रोटेट करते हुए वेरियस साउंड्स को प्ले कर सकते हैं बेल के तौर पर। फॉर एग्जांपल, वार्निंग साउंड्स या फिर कुछ एक फनी टाइप के साउंड्स। इसके साथ ही ये एक नेविगेशन डिवाइस की तरह भी वर्क करती है। आपको सिटी के बेस्ट रूट्स की जानकारी भी ये दे देगी। आप इसके मैग्नेटिक बेस को साइकिल के हैंडल पर छोड़ सकते हैं और इस बेल को अपने साथ रख सकते हैं साइकिल पार्क करने के बाद। और इससे होगा ये कि अगर आपकी बाइक अपनी जगह से जरा भी हिलेगी तो ये बेल साउंड के थ्रू आपको अलर्ट कर देगी। इसके अलावा ये विजिबिलिटी बढ़ाने का काम भी कर देती है अपनी लाइटिंग से। यानी एक तरह से कहने को तो ये एक बेल है, लेकिन एक्चुअल में नेविगेशन से लेकर लाइट और सिक्योरिटी का काम भी कर देती है। Corsair स्मार्ट लाइटिंग टावर्स। अब गाइस, ये गैजेट्स बहुत ही यूनिक हैं और खास होने वाले हैं गेमर्स के लिए। ये स्लीक टावर्स एक्चुअल में अपनी स्मार्ट लाइटिंग से गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी इमर्सिव बना देते हैं, क्योंकि इनमें ग्लो करने वाली लाइट्स ऐसे ही ग्लो नहीं करती, बल्कि ये पीसी में रन हो रहे गेम के सीन के अकॉर्डिंग, उसके कलर्स के अकॉर्डिंग ग्लो करती हैं, जिससे आसपास का माहौल गेमिंग के एनवायरमेंट में पूरी तरह से ढल जाएगा और आपका गेम खेलने का मजा हो जाएगा दोगुना। इसकी रिवर्सिबल डिजाइन के चलते आप इन्हें फ्रंट से लेकर बैक साइड तक इंस्टॉल करके भी यूज कर सकते हैं, जिससे इनसे एमिट होने वाली लाइट डायरेक्ट आपकी आईज में ना पड़कर रिवर्स डायरेक्शन पर से ग्लो होगी। हालांकि दोनों का एक्सपीरियंस लगभग सेम ही रहेगा। गेम खेलते वक्त जो डिवाइस हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो है हेडसेट। तो इसमें आपको हेडसेट को हैंग करने के लिए भी एक हेडसेट रेस्ट मिल जाएगा, जो कि ऑप्शनल होता है। आप इसके सॉफ्टवेयर से इन लाइटिंग टावर्स को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ओवरऑल गाइस, गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी रियलिस्टिक बनाने के लिए ये लाइटिंग टावर्स बहुत ही अच्छी चॉइस है। सिडगो। दोस्तों, अब मिलिए इस फोल्डेबल इलेक्ट्रिक बाइक से। वैसे गाइस, नॉर्मल फोल्डेबल बाइक्स में उनके कुछ एक पार्ट्स ही फोल्डेबल होते हैं, बट इस बाइक के लगभग सारे पार्ट्स ही फोल्ड हो जाते हैं, जिसके चलते इसका साइज कहीं ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। फोल्ड होने पर इसका साइज इतना कम हो जाता है कि इसे आप उठाकर अपने साथ आसानी से कैरी कर सकते हैं। अनफोल्ड होने के बाद जब ये अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप में आती है तो ये कुछ इस तरह की दिखती है। बात करें डिजाइन की तो वो तो काफी यूनिक रखा गया है इसमें। फ्रंट व्हील तो नॉर्मल साइज का ही होता है, बट रियर व्हील काफी छोटा सा होता है। ये बैटरी पर बेस्ड होती है। पावर भी इसमें आपको ठीक ठाक ही मिल जाती है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है 25 किलोमीटर पर आर थी, जो कि एवरेज राइडर्स के लिए इनफ है। वैसे इसके इतने छोटे साइज के अपने ही कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये पोर्टेबल हो जाती है। इसे लेकर आप बस या ट्रेन वगैरह में भी ट्रैवल कर सकते हैं। इसके हैंडल में आपको एक स्मार्टफोन होल्डर मिल जाएगा, जिसमें आप अपना स्मार्टफोन क्लिप करके लगा सकते हैं। और तो और गाइस, आप इस बाइक से अपने स्मार्टफोन को चार्ज भी कर सकते हैं यूएसबी केबल की हेल्प से। अब खुद सोचिए, कौन सी बाइक आपको इतने सारे ऑप्शंस देगी आपकी रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए।
नाइट केबल बाय नेटिव यूनियन। गाइस हम सभी अपने स्मार्टफोन को अपने घर पर ही चार्ज करते हैं, बहुत ही रेयर होता है जब हम उन्हें कहीं बाहर चार्ज करते हैं। ऐसे में गाइस जब हम फोन चार्ज कर लेने के बाद केबल को किसी टेबल वगैरह पर रख देते हैं तो वो धीरे से वहां से स्लाइड होकर गिर जाती है, बाद में हमें उसे फिर से उठाना पड़ता है। अब कहने को तो ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, बट ये ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बार बार होती है और हमें इरिटेट कर देती है। तो ऐसे में गाइस आप यूज कर सकते हैं नाइट केबल का, और इसके दो सबसे बड़े एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो गाइस इस केबल की लेंथ नॉर्मल केबल से कहीं ज्यादा होती है, तो इसे प्लग इन करने के बाद आप आराम से अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं बिना केबल की लेंथ को कंसीडर किए। और दूसरा एडवांटेज है इसमें मौजूद ये नॉट, जो कि केबल के लिए एक वेट की तरह वर्क करती है, जिससे कि इस केबल को आप जैसे भी और जहां भी रखेंगे ये आपको एज इट इज उसी जगह पर मिलेगी, यानी कि स्लाइड होकर गिरेगी नहीं। तो इस तरह की केबल आपके स्मार्टफोन को चार्ज करने के साथ साथ छोटे मोटे इश्यूज को भी खत्म कर देगी। सिट पैक कैमस्टर। गाइस चेयर एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हमें पूरे दिन में लगभग पूरे टाइम ही होती है। घर में तो बैठना होता ही है, बाहर घूमने गए कहीं रुके तो वहां भी बैठने का मन करता है, कुछ देखते वक्त भी बैठना ही होता है, लेकिन हर जगह तो आप बड़े साइज की चेयर लेकर जा नहीं सकते। ऐसे में कई बार खड़े खड़े पैरों में दर्द हो जाता है, और इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं सिट पैक कैमस्टर से। गाइस ये एक पोर्टेबल चेयर है, इसे आप फोल्ड करके इसके कैरी बैग में रखकर बहुत आसानी से कहीं भी इसे ले जा सकते हैं अपने साथ। पिकनिक से लेकर ट्रैवलिंग वगैरह पर भी जाते टाइम इसे आप हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। ये आपकी पर्सनल कंफर्ट प्रोवाइडर बन जाएगी। बस इसके लेग्स को एक्सपेंड करके इसे फ्लिप करके ओपन कर दीजिए और आराम से कहीं भी इसे रख कर इस पर बैठ जाइए। ये चेयर काफी ड्यूरेबल होती है, साथ ही बहुत ही कंफर्टेबल भी होती है, तो आप इसमें आराम से रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। और जब आपका काम हो जाए तो आप वापस से इसे फोल्ड करके इसके बैग में रख कर इसे ले लीजिए अपने साथ में। वैसे भी ऐसा बहुत बार होता है कि किसी पब्लिक प्लेस पर हमें बैठने के लिए स्पेस नहीं मिलता और हम दूसरों का मुंह ताकते रहते हैं। ऐसे में गाइस ये चेयर आपका साथ हर जगह देगी और आपको फिर कभी खड़े होकर काम नहीं करना पड़ेगा। जीरो ग्रेविटी रैक। गाइस अगर आप अपनी बाइसिकल को एक बिल्कुल ही नए और अनोखे अंदाज में अपने घर में पार्क करना चाहते हैं तो आप मिलिए जीरो ग्रेविटी रैक से। और सिर्फ बाइसिकल ही नहीं, बल्कि इन रैक्स में आप लिटरली कोई भी बड़े साइज का ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकते हैं। इस तरह की रैक का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये ग्राउंड पर आपका काफी स्पेस बचा देंगी। फॉर एग्जांपल हम नॉर्मली अपनी साइकिल को ग्राउंड पर ही खड़ी करते हैं, बट वही साइकिल अगर आप इस तरह की रैक पर रखेंगे तो ऑब्वियसली गाइस ग्राउंड पर आपका उतना स्पेस तो बच ही जाएगा। और साइकिल ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी डिफरेंट चीजों को आप इस तरह की क्रिएटिव रैक्स में रख कर स्पेस को कंज्यूम होने से बचा सकते हैं। ब्रांटो। वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस के साथ ब्रांटो नाम का ये गैजेट एक वायरलेस डिवाइस है और इसके फंक्शंस में वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑडियो स्ट्रीमिंग और सिक्योरिटी जैसे फंक्शंस शामिल हैं। इसमें मौजूद कैमरा 360 डिग्रीज तक रोटेट कर सकता है, जिससे आप कहीं से भी अपने फैमिली मेंबर से बात तो कर ही सकते हैं, साथ ही सिक्योरिटी पर्पस से 24/7 अपने घर पर नजर भी रख सकते हैं। इसके अलावा गाइस ये गैजेट आपके घर में मौजूद स्मार्ट डिवाइसेस के लिए एक रिमोट का काम भी कर देगा, और अगर आप कहीं बाहर हैं और आपको कोई मीटिंग अटेंड करनी है तो उसे आप इस गैजेट की हेल्प से वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अटेंड कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस को सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि ऐसे ही अमेजिंग और कूल गैजेट्स आपको सबसे पहले मिलें। तो गाइस सेफ रहिए और एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।